आज मैं आपको अंग्रेजी में ओके कहने के 10 दूसरे तरीके बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। मेरा नाम है अकमल अंग्रेजी वाला और आप ये वीडियो द स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी आएगी उसे दबा लें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे, आप सीखते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। तो किसी भी चीज़ को अक्सर तौर पर कहते हैं ओके, आप जब यस कह रहे होते हैं, यस कह रहे होते हैं या ओके कह रहे होते हैं, तो आप उसको सिंपली अगर एक ही मरतबा एक ही तरीका कहेंगे ना बार बार ओके ओके ओके, ये जाहिर करता है कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल के आदमी हैं, कुछ आपके पास वर्सटैलिटी नहीं है, आइडियाज़ नहीं है। तो ये मैं आपको कुछ और वर्ड लिखे हैं जो अंग्रेजी में ओके कहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन पर हम करेंगे श्योर। श्योर का मतलब है बिल्कुल पक्की बात है, सही है, ये भी ओके कहने का एक तरीका है। शॉ, शुआ, श्योर नहीं कहेंगे, शॉ या शुआ, शॉ या शुआ। नंबर टू पर आपने देखा कि ऑफ कोर्स, इसको ऑफ कोर्स आमतौर पर बोलते हैं, आपने इसको ऑफ कोर्स नहीं बोलना, इसको ऑफ कोर्स करके बोलना है, ये ऑफ होता है, ऑफ कोर्स, इसका मतलब भी वही है ओके श्योर पक्की बात है, ऑफ कोर्स बिल्कुल। और नंबर थ्री करेक्ट, मतलब जो बात हो रही है मुझे पसंद है, मैं अग्री कर रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट कह सकते हैं, करेक्ट नहीं करें करेक्ट करें। नंबर फोर पर गुड, गुड, गुड मतलब ये आप अपनी तरफ से ओके करें, आप करें यस ठीक है अच्छा है, पसंद का इजहार करें, गुड। नंबर फाइव पर रखा है नॉट बैड, मतलब इतना बुरा नहीं है, ठीक है, यानी एक्सेप्टेबल है, इसको नॉट बैड भी कह सकते हैं, इसके साथ एक्सेप्टेबल अगर कर दें तो ये भी चला सकते हैं, एक्सेप्टेबल, नॉट बैड या एक्सेप्टेबल, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट का मतलब ठीक है, सही है, पसंद है, इट वर्क्स फॉर मी, ऑलराइट भी कह सकते हैं इसके, मैंने ये 10 तो लिखे हैं, आई कुड, वी कुड यूज, आप कह सकते हैं इट वर्क्स फॉर मी, ठीक है, मैंने 10 का तो नाम लिखा है ना, तो अदर तरीकों में ये आप कह सकते हैं, वर्क फॉर मी, फाइन, फाइन का मतलब भी ठीक है, अच्छा है, ठीक है, फाइन कह सकते हैं, नाइस कह सकते हैं, इसके साथ मैं नाइस लगा देता हूँ, मैंने 10 लिखे हैं लेकिन यू कैड यूज देम, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, व्हाई नॉट का मतलब क्यों नहीं, जो बात हो रही है भाई ठीक है अच्छी बात है क्यों नहीं करें इसको, व्हाई नॉट, ठीक है। और ओके करने को यस भी कहते हैं, ठीक है, यस करना, अक्सर तौर पर सेल की टर्मिनोलॉजी में वर्ड यस करना, डू यू अग्री करना, ठीक है, इसमें अग्री की बात हो रही है कि नहीं होती, यस या अग्री, इसके बाद अग्री कर लें, यस कह लें या अग्री कर लें, और इसी को ओके भी कह सकते हैं, ओके करना किसी डील को, अग्री करना, यस करना या ओके करना, एक ही चीज़ है, यस अग्री या ओके। और इसका एक और इनफॉर्मल तरीका है, यानी फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, जो आमतौर पर हम यूज़ नहीं करते, यप यप, ये यस की ही तरह का एक तरीका है, यस की बजाय यप। तो मैंने शॉर्ट वर्ड्स में कुछ आपको चीज़ें बताई हैं, मैं इसी तरह के वीडियोस के साथ आपके साथ हाजिर होता रहता हूँ, आप मुझे अपनी मर्ज़ी के टॉपिक्स जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और मेरे व्हाट्सएप पर आप रब्ता करके आप हमारी लाइव क्लास बुक कर सकते हैं, मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ और वीडियो कोर्सेज के ज़रिए भी पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने चंद एक वीडियोज़ आपको चंद एक चीज़ें दी हैं, मेरा फुल कोर्स मेरी वेबसाइट पर तफसील से मौजूद है, लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ़ ब हर्फ़, सेंटेंस बाई सेंटेंस, उर्दू में, इंग्लिश में, पाकिस्तानी स्टाइल में, गोरों के स्टाइल में लिखकर और बोलकर आपको गाइड करते हैं, गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं, यही वो वजूहत हैं कि हमें गोरों की समझ नहीं आती और गोरों को हमारी समझ नहीं आती। तो मेरे फुल कोर्स में 6 सेक्शंस उसके किए गए हैं, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन साउंड्स के, जैसे मैं आपको ऑफ कोर्स बता रहा था, ऑफ कोर्स नहीं है, ऑफ कोर्स है, साउंड्स के बेसिक रूल सीखेंगे पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में कॉमन वोकैबुलरी सीखेंगे, तीसरे सेक्शन में कॉमन सेंटेंसेस सीखेंगे, चौथे सेक्शन में कॉमन डायलॉग सीखेंगे, पांचवें सेक्शन में इंग्लिश मूवीज देखेंगे, छठे सेक्शन में इंग्लिश म्यूजिक सुनेंगे, और मैं 2 और सेक्शन शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश टॉक शोज और डिबेट्स को भी सुनने का। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप खुद से अंग्रेजी किसी भी टॉपिक पर बड़े थोड़े वक्त में कर सकें। पीछे जो स्टूडेंट्स मेरे से पिछला सेशन ले चुके हैं, दे आर ऑल स्पीकिंग वेल, मैं उनके क्लिप भी हो सकता है यहाँ पर डालूँ, या आपको इसी चैनल पर आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप देखते रहिए। आप सीखना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर रब्ता करें, लाइव क्लास में या वीडियो कोर्स लेके आप भी सीखना स्टार्ट करें। आपसे दोबारा किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, देखते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।